My dear student, today I discuss about meiosis, another type of cell division. As we described in late three previous video topic, a mitosis, mitosis interface. Now this is the वीडियो फोर ऑफ द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. ये चौथा वीडियो जा रहा है आप लोग के लिए सेल साइकिल और सेल डिवीजन का चैप्टर जो है उसका फोर्थ वीडियो है जिसमें हम लोग मियोसिस देखने जा रहे हैं. हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मियोसिस. जैसा कि आप जानते हैं कि मियोसिस जो है स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन है और दैट टेक्स प्लेस इन डिप्लॉइड सेल बाय विच ए सिंगल सेल दैट प्रोड्यूसेस फोर सेल एंड ईच न्यू डॉटर सेल इज द हैप्लॉइड. इस तरह के सेल डिवीजन में एक सेल जो होगा अगर इसमें क्रोमोजोम 2n है यानी डिप्लॉइड तो पहले ये डिवाइड करके दैट इज कॉल्ड पार्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट जिसमें दो सेल बनाएगा और दोनों ही सेल में क्रोमोजोम की संख्या अपने पेरेंट सेल की तुलना में हाफ हो जाएगा और नाउ इट अगेन डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस सेकेंड एंड टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड. It also divides and produces two daughter cells, and in this way, four daughter, four haploid daughter cells are produced. और इस तरह के division को हम लोग कहेंगे meiosis cell division. यही है fundamental. एक सेल यूनाइट होकर दो सेल डिवाइड होकर के चार सेल बनेगा और ये चारों सेल क्या होगा हैप्लॉइड होगा. नाउ डियर स्टूडेंट वी स्टार्ट मियोसिस. इट इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट takes place in diploid cell particularly germ cell or gonad cell or reproductive cell. It is a type of cell division that takes place in diploid cell, particularly germ cell, gonad cell or reproductive cell. इस तरह का जो cell हैगा उस तरह के cell में इस तरह का cell division होगा and four daughter cells are produced. चार डॉटर सेल प्रोड्यूस होगा जो कि हैप्लॉइड है. हैप्लॉइड का मतलब द न्यू डॉटर सेल्स दैट हैज हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम देन दैट ऑफ द पेरेंट सेल. यहाँ अगर फिगर लिखा हुआ है अगर हम यहाँ 46 काउंट करके चले तो पहले ही प्रोसेस में यह इसमें
23 हो जाएगा, इसमें n बराबर कितना आपका 23, and the later the second meiosis process that takes place, all these daughter cell also has m, that is 16, 23 chromosome. chromosome की संख्या कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा. such type of cell division are especially takes place in gonad cell, particularly for the formation of the reproductive cell, especially gonads and कह सकते हो गैमेट बनाने के लिए इसका यूज होता है. हम लिख रहे हैं this type of cell division takes place for formation of male or female gamete. male or female gamete बनाने के लिए इस तरह का कोशिका विभाजन होता है. एज मेल गैमेट इन प्लांट एज पॉलन ग्रेन एंड female gamete as egg cell, while in animal for sperm, male gamete and ovum, female gamete. इसको बनाने के लिए female gamete, ovum बनाने के लिए इस तरह जरूरी है. मियोसिस वर्ड सबसे पहले टर्म किसने दिया? द टर्म मियोसिस वाज गिवन बाय फार्मर एंड बुरे इन 1905. Meiosis was coined by Farmer and Murray in 1905. Kapia Odisha Pajo. Process of meiosis completed into two
distinct division as meiosis first, yani entire process meiosis do division में complete होता है, जैसा कि पहला हम लिख रहे हैं meiosis first और बी है meiosis second. Meiosis first, it is the longest phase of the meiosis, and in this process nuclei divide in such a way that each daughter cell that receive half number of chromosome and show meiosis first is called reductional division. स्टार्ट कर रहे हैं मियोसिस फर्स्ट. इट इज लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस एंड टू डॉटर सेल produced and has half number of chromosome as compared to their parent cell, and so meiosis first is called reductional division. Reductional division. यह सबसे बड़ा फेज है मियोसिस का, जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है, और हर नया जो सेल जो बना हुआ है उसमें क्रोमोजोम की संख्या आधा हो जाती है अपने पेरेंट सेल की तुलना में, इसलिए मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं. The entire process of meiosis, the entire process of meiosis first completed into four sub phases as 1, 2, 3, 4 prophase first, metaphase first, anaphase first, telophase first. Now, dear student, we start the prophase first.
यानी मियोसिस फर्स्ट जो है चार सब फेजेस में कंप्लीटेड होगा, जिसका पहला फेज है प्रोफेज फर्स्ट एंड इट इज द लॉन्गेस्ट फेज अमाउंट ऑल फेजेस ऑफ मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड एंड इट इज हाईली कॉम्प्लेक्स process that takes about 90% time of the total meiosis cell division. The prophase first. It is highly complex and time taking process. And इसमें जो दिख रहा है उसको हमको पॉइंट में लिख देना है। पॉइंट फर्स्ट क्या है? न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, उपस्थित। पॉइंट टू, क्रोमोसोम highly threadless, and uncoiled. Comma. Spent life time chromosome in the late leptotene stage, now it becomes
सेकेंड डायग्राम, ये अर्ली लेप्टोटीन एस्टेज हो गया, किंतु लेट में जैसे ही पहुंचेगा क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हो चुका है, क्रोमोसोम स्टार्ट शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग एज ए रिजल्ट एट द एंड ऑफ दिस फेज क्रोमोसोम लुक लाइक वीडेड स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम के ऊपर में बीडेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ने लगा, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट। पहले था ये अर्ली, अब इसको हम क्या देख रहे हैं, लेट। जैसे ही लेट में पहुंचा क्रोमोसोम उलझा हुआ तो रह नहीं, चार ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर और इसके ऊपर में बीडेड लाइक दिखाई पड़ने लगा है। अगर ऐसे स्टेज में अगर आ जाए ये लेट लेप्टोटीन अवस्था में पहुंच चुका है, क्रोमोसोम के ऊपर क्या होगा, बीडेड स्ट्रक्चर दिखेगा। ये पहला क्रोमोसोम, ये लंबा दूसरा क्रोमोसोम और ये छोटा है इसको हम तीसरा मान के चल रहे हैं, और इस पर क्या है बीडेड लाइक, इस पर मोती की दाना की तरह स्ट्रक्चर नजर आने लगा है। कितना क्रोमोसोम, चार क्रोमोसोम, तो ये लिख रहा है क्रोमोसोम स्टार्ट शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग एज ए रिजल्ट एट द एंड ऑफ दिस फेज क्रोमोसोम लुक लाइक बीडेड स्ट्रक्चर ऑन द एंटायर लेंथ। Now the fourth point. Sometimes, कभी कभी, bucket structure that has developed, it is the PM plasma membrane and it is the nuclear membrane. Sometimes, the entire chromosome through its centromere that get attached to the nuclear membrane like that chromosome kya hua hai ball shape structure sab chromosome ek membrane se jaate hai sab jaate hai is stage ko hum log bucket stage bucket stage kahan मिलता है, तो लेप्टोटीन अवस्था में। कभी कभी ऐसा, सम टाइम ऑल क्रोमोसोम गेट अटैच्ड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थ्रू its centromere, that structure is called bucket. तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बकेट स्ट्रक्चर किस अवस्था में बनता है, प्रोफेज फर्स्ट
मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज, इस तरह का ऑप्शन बनाएगा। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिए हैं, उसमें प्रोफेज आया था तो डायरेक्ट हम प्रोफेज फर्स्ट में मार के चल जाएंगे। अगर ऑप्शन प्रोफेज में लेप्रोटीन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन, डायटानेसिस वर्ड ऐसा करके ऑप्शन दे तो हम लेप्रोटीन मारेंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पर बीडेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है लेट, किसमें लेप्रोटीन, यहाँ लिख देते हैं लेट, ये लेट लेप्रोटीन स्टेज हो। अब हम लोग चलते हैं जाइगोटीन स्टेज, यहाँ पर जो दिख रहा है बस उसको लिखना है। और इस स्टेज को
डायड स्ट्रक्चर कहते हैं, टी टू स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है ये दोनों को एक साथ में होमोलोगस क्रोमोजोम कहेंगे। होमो मतलब सेम होता है, लोगस मतलब पोजीशन, होमोलोगस क्रोमोजोम ये भी आपस में होमोलोगस ही कहा जाएगा। और यहां पर बीच में जो डेवलप हुआ स्ट्रक्चर जिस दैट इज कॉल्ड साइनेप्टो न्यूरल कॉम्प्लेक्स। इन साइनेप्टो न्यूरल कॉम्प्लेक्स में रिकॉम्बिनेंट एंजाइम रहता है जो आगे वाला जो स्टेज है पैकेटिंग, वहां पर एक्सचेंज ऑफ पार्ट ऑफ क्रोमेटिड में हेल्प करता है, सहायता करता है, दैट इज कॉल्ड क्रोसिस। हम बात उस पर आएंगे, पर अभी जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बस उस पॉइंट को लिखेंगे, एक भी पॉइंट बाया गया नहीं। द फर्स्ट पॉइंट द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम टेक्स प्लेस। सबसे पहली बात कि यहां पर जो आइडेंटिकल क्रोमोजोम होता है, वन इज द मैटरनल एंड अदर इज द पैटर्नल, एक मदर साइड का और फादर साइड का जो पहली बार यहां पर पेयर करता है, यानी पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम। पॉइंट टू, क्रोमोजोम इस अवस्था में और छोटा और मोटा हो गया है। क्रोमोजोम बिकम्स मोर थिकर एंड shorter, quite thin, synaptonival complex develop between होमोलोगस क्रोमोजोम, होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में साइनेप्टो न्यूरल कॉम्प्लेक्स आ गया है। तो ये खास पॉइंट दो को इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन यहां से उठाया जाता है। नाउ द फोर्थ पॉइंट, अभी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस प्रेजेंट, यानी पूरे प्रोफेज अवस्था में न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरा प्रेजेंट रहेगा। जैसे ही लास्ट अवस्था में जब पहुंचेगा तब ये गायब होगा और सेंट्रोल एक दूसरे के अपोजिट पोल पर पहुंचना शुरू होगा। ये था जायगोटी। एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, जैसे ही पेयरिंग होता है होमोलोग तो उसको हम लोग साइनेप्सिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड साइनेप्सिस। क्या बना? साइनेप्सिस बना। एज ए रिजल्ट
dyad structure formed, and dyad structure formed. My dear student, it is very important point. Synapses कहाँ बनता है? The zygotin. Dyad structure कहाँ बनता है? Zygotin. Synaptotropical complex किस अवस्था में आ जाता है? Zygotin. Pairing of homologous chromosome किस अवस्था में होता है? Zygotin. ये सारी बातें याद करने की चीज है और ये important है examination purpose of the view. यही जाइगोटीन का अवस्था है, माने जाइगोटीन भी ये सारी घटना. नाउ बिकम्स ऑन द थर्ड स्टेज दैट इज कॉल्ड पैकेटिंग. अब हम पैकेटिंग की तरफ मूव कर रहे हैं. ये रहा सेल का पीएम, ये रहा क्लियर मेम्ब्रेन. सेंट्रियोल को थोड़ा सा मूव करवा देते हैं अपोजिट कोर की तरफ. और अब जो स्ट्रक्चर बनने वाला है, हर क्रोमोजोम दैट बिकम्स एच क्रोमोजोम दैट बिकम्स टू थ्रेडस स्ट्रक्चर एंड थिकेंड और ज्यादा मोटा हो गया. एक क्रोमोजोम ये वाला, अब ये क्रोमोजोम है उसका हम बना रहे हैं. ये हो गया सेकेंड क्रोमोजोम. क्या हो गया? मोटा भी हुआ है, छोटा भी हुआ है. ये होमोलोगस क्रोमोजोम का साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अभी आज रहेगा. तो कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा, इस पॉइंट. हर क्रोमोजोम दो धागा का हो गया है, छोटा वाला के लिए. साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर भी रहेगा. हम यहाँ एक जगह टच, दो जगह करवाए हैं, यहाँ पर एक ही जगह. दैट इज कॉल्ड काइज्मा. द नंबर ऑफ काइज्मा डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द क्रोमोजोम. कोई जरूरी नहीं कि काइज्मा बन ही जाए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, दस भी हो सकता है. साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट रहेगा. यहां है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स. अब ईच क्रोमोजोम्स दैट बिकम्स टू थ्रेड, ये हर क्रोमोजोम दो धागा का हो गया. ईच क्रोमोजोम्स नाउ बिकम्स टू थ्रेडस. ईच थ्रेड इज कॉल्ड क्रोमेटिड. हर कोई क्या कहेंगे? क्रोमेटिड. ये क्रोमेटिड कहलाएगा. और आपस में एक ही क्रोमोजोम पर दोनों होगा वो क्या कहेगा? सिस्टर क्रोमेटिड. ये आपस में दोनों क्या कहेगा? सिस्टर. किंतु ये वाला होमोलोगस का और ये वाला को अगर ले ले इसको क्या कहेंगे? नॉन सिस्टर. And the place where the
इज कॉल्ड ट्राइज्मा। इसको क्या कहेंगे? ट्राइज्मा कहेंगे। ट्राइज्मा यहां दो, यहां एक, क्लियर। न्यूक्लियोलस प्रेजेंट रहेगा, न्यूक्लियस उपस्थित रहेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा और ये सारा घटना पैकेटिन है और ये सबसे बड़ा अवस्था है प्रोफेज फर्स्ट में। पॉइंट फर्स्ट, इच क्रोमोजोम इच होमोलोगस क्रोमोजोम इच होमोलोगस क्रोमोजोम बिकम्स टू थ्रेडस called sister chromatin that get held together at a place called सेंट्रोमियर। जैसा कि माइटोसिस डिवीजन में मैंने बताया था कि हर क्रोमोजोम दो धागा का हुआ, हर धागा को क्रोमेटिन कहेंगे और ये दो क्रोमेटिन एक जगह पर आपस में जुटा हो उसको सेंट्रोमियर कहेंगे। माय डियर स्टूडेंट, now you observe the homologous chromosomes that becomes four threaded structure that is called tetrad structure. Homologous chromosome becomes four threadless structure called tetrad. Tetrad का मतलब होता है four, tetrad. कौन सा structure था? Tetrad. इसको याद करके रखना है कि tetrad structure किस अवस्था में? The pectin अवस्था में. Point three. Synaptonemal complex कहाँ पर देते हैं? नन सिस्टर क्रोमेटिन के बीच में। तो इस तरह हम कह सकते हैं द टू क्रोमेटिन ऑफ होमोलोगस द टू क्रोमेटिन ऑफ होमोलोगस chromosome of each homologous chromosome are called non-sister chromatin get to form a nodulated, not new structure, nodulated structure is called chiasma. इसको chiasma कहेंगे। आप लोग लिख लीजिएगा कैसे? The number of chiasma that depends upon the length of the chromatids अलग से। Now the four
ऑटोनिमल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट बिटवीन नन सिस्टम क्रोमेटिड किसके बीच में तो नन सिस्टम क्रोमेटिड के बीच में साइटोनिमल कॉम्प्लेक्स उपस्थित रहता है. नाउ द फोर इस अवस्था में जब लेट पैकेटिन में जाएगा एक्सचेंज ऑफ पार्ट ऑफ द क्रोमेटिड्स यानी जो क्रोमेटिन का पार्ट है वहां पर एक्सचेंज होता है. कहां पर डाइबा वाला जगह पर ये इधर और इसका इधर. नाउ अ सेकेंड डायग्राम इज लाइक दैट. ये सारे पार्ट को हम यहां से रिमूव कर रहे हैं. चलो बना ही देते हैं हम फिर जितना समय लगेगा इसको उससे कम समय लगेगा बनाने में. क्या देख रहे हैं कि the part of chromatids that exchange कहाँ पर exchange हो गया है that place काइमा इधर वाला chromatid इधर चला गया इस part का इधर चला गया synaptonymal complex रहेगा उपस्थित. ठीक उसी तरह छोटे वाला जो क्रोमोजोम था उसमें हम एक ही जगह पर आए थे काइमा ये गया इधर दूसरा वाला है ऐसे एक्सचेंज ऑफ पार्ट हो चुका है. ये घटना होता है किसमें लेट पैकेटिंग अवस्था में. न्यूक्लियोलस प्रोजेक्ट है सेंट्रल अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहा है दैट इज लेट. One is the most important character that takes place crossing over in this phase. Yes, stage. इस अवस्था में crossing over होता है. कहाँ पर? At place of time. At place of As a result, genetic recombination, variation जो होता है, जो sexually reproducing organism होता है, वो अपने parents से अलग होने के पीछे यही reason है कि क्रोमोजोम का पार्ट का exchange जितना ही ज्यादा होगा variation उतना ही ज्यादा बढ़ेगा. The crossing over takes place at that. That is the Packettine stage. कहीं पर synaptonymal complex लिखा है कि नहीं कि present है सर लिखा चुका है synaptonymal complex present है तनल सिस्टम को मैंने तो क्वेश्चन है कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है मतलब किस में होगा तनल सिस्टम क्रोमेटिड जो होता है उसी के बीच में क्रॉसिंग द क्रॉसिंग ओवर इन दिस स्टेज एंड एट प्लेस ऑफ काइमा बिटवीन नन सिस्टम क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस होमोलोगस क्रोमोजोम. ये क्वेश्चन कई बार पूछे हुए हैं और इसको ही याद रखना है कि क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है सिस्टर क्रोमेटिड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस नॉन होमोलोगस नहीं होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में होता है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स
किस जगह सब जगह उपस्थित होगा, दैट इज कॉल्ड पैकेटिंग। नाउ द डिप्लोटीन स्टेज, अब हम लोग किधर चल रहे हैं, डिप्लोटीन अवस्था में। तो डिप्लोटीन अवस्था में क्रोमोजोम में क्या होगा, हर होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में एक दूसरे से हटने लगेगा, दैट गेट्स स्टार्ट सेपरेटिंग, साइटोप्लाज्मिक कॉम्प्लेक्स गायब हो जाएगा, बट टर्मिनलाइजेशन दैट टाइम, यानी क्रोमोजोम जहां काइमा है वहां सिर्फ नहीं हटेगा किंतु एक दूसरे से पूरी तरह से हटने की कोशिश में लगा हुआ रहेगा, एज ए रिजल्ट एक सेपरेट स्ट्रक्चर आर दैट फॉर्म्ड। नाउ द डिप्लोटी, डिप्लोटीन स्टेज, सेम स्ट्रक्चर, सिर्फ थोड़ा सा हम इसमें अंतर करने जा रहे हैं, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेंब्रेन परफेक्ट रहेगा, सिर्फ क्रोमोजोम एक दूसरे से हटने के स्थिति में बना रहे हैं। ये रहा इसका पार्ट, और इधर से ये वाला पार्ट, ये पूरी तरह से एक दूसरे से इस तरह से बनाए हुए हैं। ऐसा लग रहा है एक दूसरे से हट रहा है और क्रॉस स्ट्रक्चर डेवलप हो गया है, क्रॉस एक सेपरेट स्ट्रक्चर। सिमिलरली सेकेंड स्मॉलर साइनेप्टोनेबल कॉम्प्लेक्स गायब हो चुका है, बस यही अवस्था है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस प्रेजेंट, पहला पॉइंट होमोलोगस क्रोमोजोम स्टार्ट मूविंग, स्टार्ट सेपरेटिंग कर देते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म्ड। माय डियर स्टूडेंट, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सेप्ट स्ट्रक्चर डिप्लोटीन में, एंड द सेकेंड लास्ट पॉइंट फॉर इट साइनेप्टो नेमल कॉम्प्लेक्स डिसअपीयर, साइनेप्टो नेमल कॉम्प्लेक्स गायब, न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, लिख भी सकते हो न्यूक्लियर न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, सेंट्रोल रिचेस टू अपोजिट को, सेंट्रियोल रिचेस टू अपोजिट, कहां पहुंच चुका है अपोजिट पोल पर, एंड द लास्ट स्टेज ऑफ द प्रोफेज सबको रिमूव कर रहे हैं,
अब जो अवस्था आएगा वह लास्ट अवस्था है, दैट इज द फाइव। इस अवस्था में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होना चालू हो चुका है, न्यूक्लियस गायब होने लगेगा, सेंट्रियोल एक अपोजिट पोल पर पहुंच चुका है, एस्टर का फॉर्मेशन चालू हो चुका रहेगा। क्रोमोजोम एक दूसरे से कंप्लीटली सेपरेटेड हो जाएगा, देख लो एक्सचेंज पार्ट इधर आ चुका है, दूसरा जो क्रोमोसोम था एक्सचेंज पार्ट यहाँ है, एक्सचेंज पार्ट कहाँ है, यहाँ क्रोमोसोम और छोटा मोटा होने लगा होगा, ये और ज्यादा छोटा मोटा ऐसा दिखाई पड़ेगा। दूसरा जो था जो इसमें एक्सचेंज पार्ट हुआ है सो यहां और इधर वाला यहां छोटा और ज्यादा मोटा हो गया है, एक्सचेंज पार्ट इसमें एक ही जगह हुआ था जो यहां। इस तरह का अवस्था डाइकाइने, यहाँ पर एक खास पॉइंट जो है टर्मिनलाइज, यानी जो काइमा जो प्लेस ओवर कंप्लीटली पॉइंट फर्स्ट न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसेंडिंग। Point two, each homologous chromosome completely separated. to opposite
फेज फर्स्ट खत्म होता है. नेक्स्ट पॉइंट मेटाफेज फर्स्ट. जैसे ही मेटाफेज में पहुंचेगा जितना भी क्रोमोजोम है इक्वेटोरियल प्लेट रीजन में आ जाएगा. ये शिफ्ट होके यहाँ ये बीच पे नेक्स्ट क्लास हम मेटाफेज से स्टार्ट करेंगे. कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए. तो करियर अचीवमेंट के वेबसाइट पर अपना क्वेश्चन डालिए. हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, आपके प्रॉब्लम को शॉर्टेज करेंगे. लाइक कीजिए, डिसलाइक करना हो तो डिसलाइक नहीं कीजिए, ना पसंद आए कमेंट कीजिए, जो करना हो. थैंक यू.